बाबा साहब ने कलम से क्रांति कर दिखलाई थी, बाबा साहब ने कलम से क्रांति कर दिखलाई थी, क्योंकि शाही की हर बूंद में, क्योंकि शाही की हर बूंद में त्याग मूर्ति माँ रामाबाई जो समाई थी, त्याग मूर्ति माँ रामाबाई जो समाई थी। मैं बात कर रही हूँ आज ज्योति पासवान, जो पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे भारतवर्ष में, और बल्कि मैं ये कहूँगी पूरी दुनिया में, जो साइकिल गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं, ज्योति पासवान। ज्योति पासवान जो क्या कहते हैं, गुरुग्राम से और दरभंगा जो 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से अपने बीमार पिता को साइकिल से लेकर दरभंगा पहुँची थी, तो उस बच्ची ने जो हमारे भारतवर्ष में मनुवादी व्यवस्था है, जो धौरी व्यवस्था बनी हुई है, और जो धौरी व्यवस्था के लोग हैं, जो पाखंड को परोसने वाले लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद को परोसने वाले लोग हैं, और जो लोग हमें टुकड़ा देकर और टुकड़े के बल पर हमसे हमारी प्रतिभाओं को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस ज्योति पासवान ने भी रविशंकर जो मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, उनके उस ट्वीट पर कि आपदा में ही अवसर है, और किरण रिजिजू जो मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं, जो उस ज्योति पासवान के लिए जिसने ये कहा है कि इनका साइकिल के लिए ट्रायल लिया जाए, और भारत सरकार की जो धौरी व्यवस्था थी, भारत सरकार की धौरी व्यवस्था है, उसके मुंह पर उस बहन ने, उस ज्योति पासवान ने एक करारा तमाचा मारा है। और करारा तमाचा क्या है, वो करारा तमाचा किस वजह से मारा है, क्योंकि अब हमारी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की मात्र शक्ति को, नारी शक्ति को, छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को अब सब समझ आ गया, अपने महान पुरुषों का बलिदान को पढ़कर, अपने महान पुरुषों की कुर्बानियों को पढ़कर, अपने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़कर, अपने शहीदों के इतिहास को पढ़कर, अब सब लोगों को, अब हमारी जो है एससी एसटी ओबीसी की जो नारी शक्ति है, अब वो अबला नारी नहीं रही है, अब वो अबला नहीं है, अब हमारी आंखों में पानी नहीं है, अब हमारी आंखों में पानी नहीं है, अब हम किसी के बताए हुए डर से हम भयभीत नहीं होते हैं, अब हम किसी के दिए हुए उन छोटे छोटे टुकड़ों पर हम अपनी प्रतिभाओं को, हम अपने इन छोटे उनके छोटे लालच से हम अपने आप को समर्पण करना नहीं चाहते हैं, और ना ही हमारी एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं इस तरीके से, जो हमारी प्रतिभाएं, इस तरीके से आप जो उन्हें लोभ लालच देना चाहते हैं, वो अब आप छोड़ दीजिए, अब वो हमारी जो नारी शक्ति है वो अब समर्थ हो चुकी है, सब समझ चुकी है। तो जो ज्योति पासवान ने जो केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने जो कहा है कि आपदा में अवसर, किरण रिजिजू ने जो रिजिजू जो है उसने जो कहा है कि साइकिल का ट्रायल लिया जाए, और जो साइकिल फेडरेशन है उसके, और जो भारत सरकार की जो व्यवस्था है जो है उसके मुंह पर जो तमाचा मारा है, वो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ, सुना देती हूँ कि हमारी ज्योति पासवान ने क्या कहा है। मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, मैं इतनी लंबी कठिन यात्रा के बाद शारीरिक रूप से भी कमजोर महसूस कर रही हूँ, इससे पहले मैं अपने परिवार की समस्याओं के कारण अपनी स्कूली शिक्षा जारी नहीं कर सकी थी और घरेलू काम में फंसी हुई थी, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं पहले अपनी मैट्रिक पूरी करूँ। तो ये ज्योति पासवान ने सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है। तो ज्योति पासवान का ये कहना है, अब हमारी छोटी बच्चियों को भी समझ में आ गया है, ये जो राजनीति है कि ये लोग जो है, जो ये लोग मनुवादी जो लोग हैं, जो ये अवसरवादी जो लोग हैं, जो इस तरीके के अवसरों का फायदा उठाना चाहते हैं, अब हमारी छोटी बच्चियों को भी समझ में आ गया है। तो उस बच्ची ने ये कहा है कि आज जब मैं दो दो तीन तीन दिन भूखी मैंने साइकिल चलाई थी, मैं भूखे पेट अपने बीमार पिता को लेके आ रही थी, तब मुझसे
मोटरसाइकिल फेडरेशन वालों का ध्यान मेरी तरफ नहीं गया, तब उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, तब किसी सरकार के किसी मंत्री ने आके हमसे कोई किसी भी तरीके की मेरी मदद नहीं करी है। हम भूखे प्यासे हम चलते रहे 1200 किलोमीटर, मैं शरीर से भी कमजोर हो गई, तब मेरे साथ किसी ने भी किसी भी तरीके से ये लोग नहीं आए, मुझसे पूछा नहीं मेरे मुझे, और बल्कि रास्ते में मैं जहाँ से निकली वहाँ से रास्ते में छुटपिए लोगों ने और उस तरीके की संकीर्ण मानसिकता और दिखलाई। तो मैं ज्योति पासवान का कहना है कि मैं अब किसी भी किसी के साथ नहीं हूँ, ना मैं साइकिल फेडरेशन, ना मैं किसी उसमें मैं किसी के साथ नहीं खड़ी हुई हूँ, और मैं राजनीति को जानती हूँ कि राजनीति कैसी कर रही है, राजनीति मेरे साथ में कैसी की जा रही है, और मैं किसी के किसी भी उसमें साथ में नहीं हूँ। पहले मैं अपनी शिक्षा को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो और शिक्षित करो, पहले मैं उसको अपनी शिक्षा को पूरा करना चाहती हूँ। जो मेरी आर्थिक स्थिति की वजह से, परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी, समस्याएं जो थी, जो हमारे मेरे उन समस्याओं के चलते हुए जो मेरी शिक्षा अधूरी रह गई थी, उसको मैं शिक्षा को पूरा करना चाहती हूँ। तो मेरा यहाँ कहना यह है कि अब ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, अब ये समझ लें, ये जान लें कि अब हमारी एससी एसटी ओबीसी की जो मातृशक्ति है वो अब अमला नारी नहीं रही है, और वो आप उसको किसी तरीके से भयभीत नहीं कर सकते हैं, किसी तरीके का लोभ लालच देकर आप उसे अपने अपने टीआरपी नहीं बढ़ा सकते हैं, और अपने अपना आप अवसर जो देखना चाहते हैं, जिस मौके की तलाश में रहते हैं और मौका पाते हैं जो गिद्ध की तरह आप टूटना चाहते हैं, तो उन सब चीजों को अब हमारी ये छोटी छोटी बच्चियां भी, हमारी नारी शक्ति भी, हमारे नौजवान साथी भी, हम सब समझने लगे हैं, आपकी चाल को समझने लगे, आपके चरित्र को समझने लगे, आपकी करनी और कतनी में कितना अंतर है, आपकी जो व्यवस्थाएं होती हैं उन सबको हम समझने लगे हैं। और हम ये भी समझने लगे हैं कि जब से देश आजाद हुआ है, तब से आपने एससी एसटी ओबीसी के हक और अधिकारों का आपने कितना हनन करा है, उनके हिस्से की जो रोटी थी, उनके हिस्से की जो नौकरियां थी, उनके हिस्से का जो रोजगार था, उनके हिस्से का जो सब कुछ था, आप लोगों ने कैसे हड़पा है, उनकी प्रतिभाओं को कैसे दबाया है, उनकी प्रतिभाओं को कैसे अपने पैर के तले कुचला है। तो आपके डर से अब हमारी नारी शक्ति, हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज अब आपके बहकावे में, आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, नारी शक्ति बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ज्योति पासवान ने ये भी कहा है कि ये नेता उस टाइम कहां मर गए थे, जो आज मेरे गले में लाल आके, जो भगवा करण का जो ये फटका लाके डाल रहे हैं, जो मुझे मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं कि हम लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, उस दिन ये नेता कहाँ थे जब मैं भूखे प्यासे मैं अपने बीमार पिता को मैं वहां से गुरुग्राम से लेके और दरभंगा के लिए चली थी, तब ये लोग कहाँ थे। और मैं ये सब जानती हूँ, और मेरा जो भविष्य है, और ज्योति पासवान ने कहा है कि मेरा जो भविष्य है और जो मेरा भविष्य अच्छा बनेगा वो शिक्षा ग्रहण करने से ही मेरा भविष्य सुरक्षित होगा, ना कि इनके चंद अवसर जो मुझे उपलब्ध कर रहे हैं, चंद लोभ लालच जो मुझे इसे दे रहे हैं, उस लोभ लालच में मुझे नहीं फंसना है, वो छोटी जो छोटा अवसर मुझे मुहैया करा रहे हैं, उस छोटे अवसर की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और सरकार जब कहां सो गई थी, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, हजारों की संख्या में लोग भूखे प्यासे तड़फे थे, महिलाएं सड़कों पे परेशान हुई थी, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे परेशान हुए थे। जब मैं साइकिल चला चला के वहां से आ रही थी, मैंने खूब ये सब नजारा देखा कि लोग किस तरीके से मजदूर वर्ग, ये मेहनत कश मजदूर के साथ में कितनी दिक्कतें हो रही थी, और हमारे एससी एसटी ओबीसी की जो माइनॉरिटीज की जो नारी शक्ति थी वो सड़कों पे किस तरीके से बेआबरू हुई है, किस तरीके से उनके साथ में अत्याचार हुए हैं, वो सब मैंने देखा है। तब ये नेता कहाँ चले गए थे, तब ये नेता कौन से बिल में घुसे हुए थे, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं बाबा साहब ने जो हमें, उसने कहा कि जो बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया उस रास्ते पे मैं चलना चाहती हूँ, और मैं इन मुट्ठी भर लोगों से कहना चाहती हूँ अब हमारी नारी शक्ति जो है
अबला नहीं रही है, हमारी नारी शक्ति अब आरी बन गई है, हमारे एससी एसटी ओबीसी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हम अपनी प्रतिभाओं को अपने आप निखारेंगे, हम प्रतिभा आप अवसर दीजिए, अवसर दीजिए ना, जिस तरीके का अवसर आप अपने अपने मनुवादी लोगों को, अपने मनुवादी बच्चों को देते हैं, उसी तरीके से हमारी प्रतिभाओं को भी दीजिए। तो अब हमारी नारी शक्ति आपके लोभ लालच किसी के उसमें फंसने वाली नहीं है। अंत में आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।